प्लीज मेरी बातों को नेगेटिवली मत लेना, पॉजिटिवली मेरी बातों को लेना। मैं आप लोगों का टेंशन को, आपके डर को कम करने आया हूँ, मैं आप लोगों के टेंशन डर को बढ़ाने नहीं आया हूँ, ठीक है। देखो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपका पेपर जो है ना इजी नहीं, इजीएस्ट पेपर है इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीआई, और आप लोग बहुत ही शानदार नंबर लेकर अपने माता पिता टीचर्स का नाम रोशन करो। लेकिन भगवान ना करे कभी आईसीआई ने टफ पेपर दे दिया, अबव एवरेज पेपर दे दिया, तो उसके साथ आपको टैकल कैसे करना है ना, वो मैं आप लोगों को बताने आया हूँ। क्योंकि आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहना है टफ पेपर के लिए, आपको क्या है ना एक्सपेक्ट करना है कि आपके साथ वर्स्ट होगा, और बेस्ट अगर होगा ना तो जबरदस्त भगवान की इच्छा होगी, लेकिन आपको तैयार ऐसे रहना है कि भैया वर्स्ट होगा, अपने माइंडसेट को आप लोगों ने हिलने नहीं देना है, ठीक है। नहीं तो अचानक से आपके सामने अगर टफ पेपर आया तो आप लोग का माइंडसेट उधर गिर जाता है, उधर आप लोग फेल होते हो, ठीक है। आप लोग पेपर लिखना चालू करने से पहले ही अपने आपको फेल मान लेते हो, तो आपको नहीं करना है। उसमें से कैसे आप लोगों को बाहर आना है ना, वो मैं आप लोगों को बताने हूं, टफ पेपर को कैसे हैंडल करना है। अब देखो सर, ऐसे चांसेस हैं थोड़े बहुत, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन चलो प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ, ऐसे थोड़े बहुत चांसेस हैं कि पेपर अबव एवरेज आता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। क्योंकि FR का पेपर जो था वो इजी आया था, या बिलो एवरेज आया था अभी वाला, और लास्ट टाइम जो SFM का पेपर था वो खास हार्ड नहीं आया था बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है अबव एवरेज आ जाए। अगर इजीएस्ट आता है तो मैं सबसे ज़्यादा खुश रहूँगा, लेकिन अगर अबव एवरेज आए तो घबराना नहीं है, ठीक है। आप में से 80% स्टूडेंट्स जो है ना 15 मिनट रीडिंग टाइम में ही घबरा जाओगे वो पेपर को देख के, और ICA उधर ही तो जीत जाता है। 20% पासिंग रेशियो कैसे आता है, 15% पासिंग रेशियो कैसे आता है, क्योंकि बाकी के 80-85% बच्चे तो 15 मिनट के रीडिंग टाइम में ही अपने आप को लूजर मान लेते हैं। वो आप लोगों ने नहीं करना है, सुन लो मेरी बात बड़े ध्यान से। अब ICA को अगर टफ पेपर बनाना होगा ना, तो वो टोटली नए क्वेश्चंस नहीं देगा, वो एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस में ही आप लोग को नए एडजस्टमेंट पूछेगा। यानी कि मान लो ICA के मॉड्यूल में किसी क्वेश्चन में 5 एडजस्टमेंट होंगे ना, तो उसमें से वो क्या करेगा, 3 एडजस्टमेंट मॉड्यूल वाले देगा और 2 नए एडजस्टमेंट देगा। आपको एक सिंपल सी बात समझनी, आपको उधर पैनिक नहीं करना है, बाकी जनता करेगी पैनिक, बाकी जनता कहीं भाड़ में, आपको सुन लो क्या करना है, सिंपल सी बात समझनी है। 100 मार्क का पेपर है, ठीक है, 114 मार्क का पेपर है, पास होने के लिए आपको केवल 40 नंबर चाहिए, एग्जामिनेशन के लिए आपको केवल 60 नंबर चाहिए, और ICAI आपको स्टेप वाइज मार्किंग देने वाला है, तो घबरा किस बात कर रहे हो यार, समझ रहे हो मेरी बात को, जितना आता है उतना करो, आप पक्का पक्का पास हो जाओगे, आपका पक्का पक्का एग्जामिनेशन आ जाएगा। आप क्या करोगे ना, 15 मिनट के रीडिंग टाइम जब खत्म होगा ना, तब वो 15वें मिनट पे आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप बोलोगे सारा शुरुआत कहाँ से करूँ, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया दिख रहा है, अगर अबव एवरेज पेपर है तो प्लीज़ सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, घबराना जरा भी नहीं है, स्टेप वाइज मार्किंग तो आपको मिलने वाली है ना। 2 एडजस्टमेंट नहीं आते भाड़ में गए, वो आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते ऐसा सोचना है, तो 3-3 एडजस्टमेंट आते हैं वो तो आप करके आओ, आपको पक्का पक्का नंबर मिलेंगे। क्या फर्क है जो AIR आता है, जो टॉपर आते हैं उसमें, और जो फेल होते हैं उसमें, वो AIR वाले टॉपर वाले उनको जितना आता है ना उतना वो लोग अच्छे से करके आते हैं, उनको इसलिए मार्क्स देते हैं, और अपन लोग है ना जो नहीं आता ना उसके टेंशन में जो आता है ना वो भी अपना तेल लेने चला जाता है, इतनी अपन वो लोग उधर इतना पैनिक कर जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा आप लोगों ने नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर पेपर हार्ड आया ना तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हार्ड आएगा, ठीक है, तो क्या करना है, जैसे ही पेपर मिले 15 मिनट में डायरेक्ट जंप कर जाओ आखिरी वाले क्वेश्चन पे, रिवर्स रीडिंग करो, हमेशा आखिरी में जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, और अगर आप लोगों ने आखिरी वाले क्वेश्चंस को पढ़ लिया ना तो आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल का शूट हो जाएगा ना कि आपको जो नहीं आता है ना उसमें से भी आपका दिमाग खुलने लगेगा और आपको कुछ कुछ चीज़ें याद आने लगेगी। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, रिवर्स रीडिंग करना। अगर तो देखो पेपर इजी आया तो कोई टेंशन नहीं रहेगी, लेकिन अगर हार्ड पेपर आए तो रिवर्स रीडिंग करना, पीछे के क्वेश्चन जनरली इजी होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, वो वाले क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हमेशा पेपर को प्रैक्टिकल पार्ट से चालू करना, तो ICAI वाले का जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, थ्योरी को बाद में करना, क्योंकि प्रैक्टिकल में अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे ना, क्योंकि प्रैक्टिकल पे आपकी पकड़ रहेगी, तो प्रैक्टिकल में अगर आपको मार्क्स मान लो फुल आ रहे हैं, ठीक है, मान लो 6 मार्क का क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का, आपको 6 में से 6 आ रहे हैं, 6 में से 5 आ रहे हैं, तो थ्योरी में जहां पे आप पहले करते हो थ्योरी, आपको 2 नंबर मिलने वाले होते हैं ना, तो बाद में आपको 3 नंबर मिलेंगे 4 में से, ठीक है, आपकी थ्योरी के मार्क्स भी बढ़ जाएंगे अगर आपने प्रैक्टिकल का पोर्शन पहले अच्छे से कर रखा, तो प्लीज पहले प्रैक्टिकल करना, थ्योरी जो है आपको बाद में करनी है। थ्योरी हैक्स का मैंने वीडियो आज डाला था सुबह उठते ही, तो प्लीज उसको देख लेना, उसमें मैंने बताया कि आपको कम पढ़ के कैसे थ्योरी में ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करना है, आपको खाली किस तरीके से याद करना है थ्योरी कि आपको कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स आ जाए, आपको पूरा आंसर भी ना पढ़ना पड़े और आपको मार्क्स भी पूरे के पूरे आ जाए, तो वो वीडियो को एक बार देख लेना, बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अब देखो सिंपल सी बात समझो, आप उधर जाओगे ना एग्जाम सेंटर पे, आपको दोस्त बोलेंगे फॉरेक्स किया क्या, डेरिवेटिव किया क्या, पोर्टफोलियो किया क्या, कैपिटल बजटिंग किया क्या, कोई ना कोई चैप्टर ऐसा होगा ही जो कि आपका छूट गया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने पूरा सिलेबस कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कोई ना कोई ऐसे चैप्टर रहेगा जो कि आपका शायद से छूट गया होगा, प्लीज वो बंदे की बात सुन के कॉन्फिडेंस अपना मत हिलाना, उसका खुद का कोई ना कोई चैप्टर छूट गया होगा, वो आपको खाली डराने के लिए ऐसा बोलेगा, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, उसका खुद का कुछ ना कुछ छूट गया होगा। कॉन्फिडेंस आप बढ़ा हुआ रखोगे ना, आपको जो नहीं आता है वो भी आपको खुद ब खुद आने लगेगा, लेकिन टेंशन अगर बढ़ी हुई रखोगे ना तो आपको आता है ना वो भी आप भूलते चले जाओगे। प्लीज मेरी इन बातों को ध्यान में रखना, और AFM में कल फोड़ के आना है, चाहे पेपर ईजी है, चाहे पेपर एवरेज है, चाहे पेपर हार्ड है, आई डोंट केयर, आप लोगों को फोड़ना ही फोड़ना है, ठीक है, फोड़ के आना।